कोरोना की पृष्ठभूमि के खिलाफ नागपुर में चल रहे तालाबंदी में खाद्यान्न और भोजन की मांग बढ़ गई है। यह मांग पदाधिकारी और नगर सेवकों तक पहुंच रही है। कई जरूरतमंद लोगों ने निगम के कंट्रोल रूम से भी संपर्क कर रहे हैं। जरूरत के समय सभी के पास पहुंचे, संकट के समय उनका पूरा समर्थन करें। किसी को भी भूखा नहीं जाना चाहिए। मेयर संदीप जोशी से अपील की। मेयर संदीप जोशी ने गुरुवार को कोरोना की पृष्ठभूमि पर नागरिकों के लिए नागपुर नगर निगम द्वारा की गई पूरी व्यवस्था का निरीक्षण किया। उनके साथ स्थायी समिति के अध्यक्ष विजय झलके, स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा, खाद्य नोडल अधिकारी और उपायुक्त मिलिंद मेश्राम और नोडल अधिकारी अभिजीत राउत थे। उन्होंने पहली बार नागपुर नगर निगम छत्रपति शिवाजी महाराज के नए प्रशासनिक भवन में नियंत्रण कक्ष का दौरा किया। मेयर संदीप जोशी ने सभी को सीखा कि कितने नागरिक हर दिन कंट्रोल रूम से संपर्क करते हैं, हम उन्हें क्या जानकारी देते हैं, सबसे अधिक पूछताछ किस बारे में करते हैं, हम उन्हें कैसे हल करते हैं। नोडल अधिकारी अभिजीत राउत ने उन्हें पूरी जानकारी दी। विकलांग और निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर और उन्हें विशेष भोजन और अन्य सहायता प्रदान की जा रही है। राउत ने कहा कि उन्होंने यह भी बताया कि 15 दिनों में 1250 लोग कंट्रोल रूम में पंजीकृत थे। हमें दक्षिण पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों की मांगे दे। उन्होंने निर्देश दिया कि दीनदयाल फाउंडेशन के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं और भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद महापौर संदीप जोशी ने एनजीओ की मदद से नागपुर नगर निगम द्वारा प्रदान की गई भोजन व्यवस्था का निरीक्षण किया। निगम मुख्यालय के महिला कर्मचारियों द्वारा फूड पैकिंग की जाती है। स्वामी नारायण मंदिर ट्रस्ट से रोजाना 3000 और मैत्री परिवार से 1000 बिहड़ आते हैं, जबकि सब्जियां रतन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी से आती है। इसे रोजाना 1500 फूड पैकेट तैयार किए जाते हैं। इन खाद्य पैकेटों को नागपुर नगर निगम के कर्मचारियों के माध्यम से भांडेवाड़ी और अन्य क्षेत्रों में जरूरतमंदों को प्रदान किया जाता है। नागपुर नगर निगम के नियंत्रण कक्ष के माध्यम से मदद की जरूरत वाले सभी लोगों तक पहुंच कर्मचारी द्वारा की जाती है। यह कार्य उत्कृष्ट है और दिन प्रतिदिन ये काम के अलावा राहत कार्य में सहयोग सराहनीय है। उन्होंने कहा कि नियंत्रण कक्ष में कर्मचारी और फूड जोन में महिला कर्मचारी बहुत उत्साहित है, उनके काम को प्रोत्साहित किया गया। इसके बाद महापौर संदीप जोशी ने उपायुक्त और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रदीप दशरवार, उपायुक्त अमोल चौरागर और अतिरिक्त सहायक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय जोशी के साथ कोरोना उपायों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, NBCN न्यूज नागपुर।